82 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी, सरकार पर दबाव बनाने के लिए बना रहे हैं रणनीति। कल एक साथ पूरे देश में दिखाएंगे एकजुटता। यूपी में आज प्रियंका ने भरे हुंकार, किसानों के समर्थन में यूपी के बिजनौर में महापंचायत। किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। टूलकिट केस में निकिता फरार घोषित, दिल्ली पुलिस तलाश में जुटी। रेड के दूसरे दिन से अंडरग्राउंड है निकिता, अब गैर जमानती वारंट जारी। टूलकिट मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का ट्वीट, कहा भारत कर रहा है बचकानी हरकत, एक टूलकिट चीनी सैनिकों की घुसपैठ से भी खतरनाक हो गई। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा बीजेपी को बंगाल में नहीं रोक सकती ममता, बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है कांटे का मुकाबला। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का तंज, कहा जनता से लूट और अमीरों का हो रहा है विकास, आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। महंगाई पर कमल हसन का मोदी सरकार पर निशाना, कहा यह केंद्र की सर्जिकल स्ट्राइक, देश में बढ़ रही है गरीबी और केंद्र सरकार कर रही है अन्याय। बिहार के सीएम नीतीश के मंत्री से मिलने पहुंचे कन्हैया कुमार, जेडीयू नेता अशोक चौधरी से मिले कन्हैया कुमार, जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भेजा नोटिस, कहा व्हाट्सएप और फेसबुक के नए प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता का हनन हो रहा है, लोगों की निजता की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 54 लोगों ने गंवाई जान, अब भी 150 से ज्यादा लोग लापता, सेना कर रही है तलाश।